नमस्कार स्वराज संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं अमित कुमार आज हमारे खास मेहमान हैं उनका परिचय कुछ शब्दों में करा पाना बड़ा मुश्किल है वो शिव कथा को घर घर पहुंचाने पहुंचा रहे हैं और बहुत ही सरल भाषा में पहुंचा रहे हैं जी है, हमारे साथ इस समय मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक और आध्यात्मिक संत पंडित प्रदीप मिश्रा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका पंडित जी सबसे पहले तो ये कहें कि हम जिस प्रदेश में हैं मध्य प्रदेश में हैं यहाँ पर ज्योतिर्लिंग हैं दो हैं और भी महाकाल लोक जिस तरह से दुनिया भर में इसकी पहचान बढ़ी है आपका क्या विचार है इसमें महाकाल लोक का जो निर्माण हुआ है वैसे तो पुराने समय से ही हमारा बारह ज्योतिर्लिंग में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मूल माना गया है क्योंकि भगवान शिव यहाँ पर राजा के रूप में विराजमान है दो जगह ऐसी है एक काशी में विश्वनाथ और दूसरा उज्जैन के महाकाल बारह ज्योतिर्लिंग में पर राजा अधिराज के रूप में हमारे महाकाल बाबा को माना गया आज जो निर्माण हुआ है महाकाल लोक का वो वास्तव में बहुत सुंदर और बहुत आनंद करने वाला है जिस तरह से पहले के समय में महाकाल मंदिर के पीछे पीछे से खड़े होकर छिपरा माए का दर्शन होता था आज महाकाल लोक में खड़े होकर माँ छिपरा का दर्शन होने लगा मतलब पुरातन चीज़ वापस निर्मित हो गई लगता है कि इससे लोगों में एक प्रेरणा मिलेगी मंदिर जाने की जो आप हमेशा कहते रहें बिल्कुल वो तो है ही और प्रेरणा के साथ में जो वृद्ध लोग जाते थे पहले महाकाल दर्शन के लिए भी हमारे यहाँ जब महाकाल यात्रा चलती है पंचकोसी चलती है तो आप और हमने देखा है कि सिर पे पोटला बांधकर वृद्ध लोग जाते थे पर आज अगर देखने को मिलता है तो उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण होने के बाद में और महाकाल बाबा का जो प्रभाव है उसके अनुसार नवयुवक लोग जुड़ते